हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं फालसा का जूस, जो कि बहुत हेल्दी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। मार्केट में ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, पर यहाँ पे घर पे पेड़ थे, उसमें से हमने तोड़ लिए हैं और इसका हम जूस बनाने वाले हैं। तो बहुत हेल्दी जूस बनता है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका जूस बन जाता है। रेस्टोरेंट में महंगे से मिलने वाले ये फालसी जूस बहुत ही आसानी से घर पे हम बना सकते हैं। इनको पहले अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसे हम जिसमें हम मिक्सर जूसर में जिसमें जूस निकालते हैं उसमें इसे हम डाल देंगे। साथ ही डालेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते से शरबत बहुत टेस्टी बनता है। वैसे भी मेरी आदत है, हर किसी में मैं पुदीना डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट है पुदीना। तो यहाँ पुदीने के पत्ते हम थोड़े से डाल देते हैं। इसके साथ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मिश्री के, जो कि कटिंग वाली मिश्री है। 1/4 टीस्पून डालेंगे काला नमक, 1/4 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद नमक, और इसमें डालेंगे 2 ग्लास ठंडा पानी। उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, और इसको ब्लेंड हम इस टाइप से करेंगे ताकि इसका सिर्फ पल्प निकले और इनके बीज रह जाएं। तो देखिए, हमने मिक्सर जूसर में इसे ब्लेंड कर लिया है पल्स मोड पे, ताकि इनका जूस भी निकल जाए और बीज भी साबुत रहे। बीज थोड़े कसैले होते हैं, इसलिए इनको हमने नहीं पीसा है। इसका हम वेलकम ड्रिंक भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये बन जाता है। अगर मेहमान घर पे आ जाए तो तुरंत आप इसका जूस बना सकते हैं। इतना इजी तरीका मैंने बताया है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी से बनने वाला ये जूस। हम अब छान लेते हैं, और छानने के बाद देखिए इसके बीज एकदम साबुत दिख रहे हैं, क्योंकि हमने इसे पल्स मोड पे पीसा है, तो साबुत बीज है और इनका पल्प निकल गया है। तो बहुत अच्छे से हम इसे छान लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए भी इसे हम चला लेंगे, क्योंकि इसमें एक लिपलिपापन आ जाता है, जिसको हम बहुत मुश्किल से छान पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे छान रहे हैं धीरे धीरे। जितना इसका रस निकल सकता है उतना हम चम्मच से दबाते हुए इसका रस निकाल लेंगे। गर्मियों के दिनों में आने वाले फलों में से एक फल है ये फालसा, जिसका शरबत बहुत टेस्टी होता है, और मार्केट में रेस्टोरेंट में ये बहुत महंगा मिलता है ये शरबत, जिसे हम घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से बनाइए ज़रूर फालसा का ये जूस, और बना के बताइएगा कैसा बना है ये फालसा का जूस। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से नमस्कार। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।